हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट्स। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही बचा हुआ है इस चैप्टर का। तो चलिए इसे हम थोड़ी तेजी में आगे ले चलते हैं चीजों को समझते हुए। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को शुरू करने के पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी। स्टूडेंट्स, पढ़ने और समझने में डिफरेंस होता है, ठीक है। आप क्या पढ़ रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं, दोनों में अंतर होता है। पढ़ा हुआ पढ़ने के बाद आपके दिमाग में नहीं होता, लेकिन समझा हुआ पढ़ने के बाद भी आपके दिमाग में बैठा रहता है। तो स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद पढ़िए। और नहीं भी पढ़ेंगे, अगर समझ गए हैं दैट्स एनफ फॉर यू एंड दैट्स एनफ फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं कि अब जब 1791 में ये फ्रांस जो था एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया था, जब किंग ने ऑलरेडी ये साइन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन पे कि ठीक है, मैं अपनी पावर्स को लिमिटेड मानता हूँ, मैं जो भी करूंगा वो नेशनल असेंबली की सलाह से ही करूंगा, बिना नेशनल असेंबली से मैं राय मशवरा किए कोई भी डिसीजन नहीं लूंगा। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीजें बदलने लगी? तो ऐसा हुआ स्टूडेंट्स कि जो किंग था उसने प्रशिया और ऑस्ट्रिया, स्पेशली प्रशिया के किंग से, जो कि फ्रांस का ही एक नेबरिंग कंट्री था, प्रशिया के किंग से चोरी छुपे बातें करनी शुरू की, यानी उनसे हेल्प लेने की कोशिश, ताकि वो अपनी गई हुई पावर्स को वापस से ले सके, ठीक है। इसके लिए कोशिशें करनी शुरू की। ये खबर लग गई नेशनल असेंबली को, और नेशनल असेंबली का इम्पोर्टेंस यही था कि किंग बिना नेशनल असेंबली से बात किए वो किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले सकता। और यहाँ पर किंग ने बिना नेशनल असेंबली को इन्फॉर्म किए नेबरिंग कंट्रीज के किंग से बातचीत करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि और नेचुरल था, क्योंकि एक कंट्री में उस टाइम ऐसा था कि एक कंट्री में कुछ होता था, कोई रिवोल्यूशन होता था, तो उसको देख करके दूसरे कंट्री के लोग भी जो होते थे वो इंस्पायर होते थे कि देखो उस कंट्री के लोगों ने रिवोल्यूशन करके अपने राइट्स लिए तो हमें भी करना चाहिए। तो इस तरह की चीजों का डर नेबरिंग कंट्रीज के किंग्स को भी था, तो उन्होंने भी लुई 16 का सपोर्ट करना एक्सेप्ट किया। लेकिन तब तक नेशनल असेंबली को इसकी खबर लग गई और एंड नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। नेशनल असेंबली ने फाइनली 1792 अप्रैल में वोटिंग करके आपस में एक वॉर डिक्लेयर कर दिया कि ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ, ऑस्ट्रिया और प्रशिया जिसको कहते हैं, इसके अगेंस्ट हम लोग वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, हम लड़ेंगे। लोगों ने इसको एक वॉर, एक ऐसे वॉर के रूप में देखा ना स्टूडेंट, जैसे कि किंग से पीपल की लड़ाई हो रही हो, राजा से प्रजा की लड़ाई हो रही है, कुछ इस रूप में इसको देखा लोगों ने। और इवन न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में इस वॉर को इस रूप में देखा गया कि यूरोप के जितने किंग्स हैं उनके अगेंस्ट में हम लड़ रहे हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और ये जब वॉर हुआ तो इस वॉर में हमने देखा, हम पढ़ते हैं इस बारे में कि इस वॉर में लोग जो थे वो अपने अपने घरों से निकल के अपने अपने काम धंधे छोड़ के पूरी तरह से लग गए इस वॉर के टाइम पे। इतना कि जो फीमेल थी उन्हें घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। और जब ये वॉर खत्म हुआ ना स्टूडेंट्स, तो आप जानते हो कि किसी भी वॉर में फाइनेंशियली इन्वॉल्व होना होता है और फाइनेंशियल काफी नुकसान भी होता है। नतीजा ये होता है कि वॉर खत्म होने के बाद, वॉर एक तरह की इमरजेंसी होती है, और इसके खत्म होने के बाद एक क्राइसिस आ जाता है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। ऐसा फ्रांस में भी हुआ, क्राइसिस आया, और इस क्राइसिस की वजह से लोगों को खाने तक की कमी हो गई, क्रिमिनल केसेस बढ़ने लगे फ्रांस में, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, तो लोग एक दूसरे से छीना झपटी करते थे, लूट मार करते थे। इस बिगड़ती हुई हालत के लिए लोगों ने पूरी तरह से किंग लुई 16 को जिम्मेदार माना, उनके उनसे बहुत ज्यादा गुस्से में थे सब। नतीजा ये हुआ कि इस समय वॉर के टाइम पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होने लगी फ्रांस में, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हुई, जिनमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी थी, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, उसका नाम था जैकोबिन क्लब। स्टूडेंट्स, ये जैकोबिन क्लब जो पार्टी थी ये सबसे ज्यादा फेमस हुई। इसको लीड कर रहा था मिडिल क्लास का एक
इंसान जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबस्पियर, जो इस जैकोबिन क्लब को लीड कर रहा था। तो तब अब जब लोग किंग लुई 16 से बहुत ज्यादा गुस्से में थे, तो ऐसा होता है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10 अगस्त, 10 अगस्त 1792 की सुबह लोग पहुंचते हैं वहां जहां किंग लुई 16 जो था वो रह रहा था। वहां पहुंच के उसको वो लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, एंड इसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा अमेंड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर किया जाता है क्योंकि अब जब किंग को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे अरेस्ट कर लिया गया, तो अब तो हेड ऑफ द कंट्री कोई भी नहीं है, और हेड ऑफ द कंट्री होना जरूरी था। तो इसके लिए इलेक्शंस कराए जाते हैं, और इन इलेक्शंस में वोटिंग राइट्स थोड़ा चेंज किए जाते हैं, और इन्हीं वोटिंग राइट्स को चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। अब ये वोटिंग राइट जो थे, ये सभी मेन को, जितने भी मेल थे, जितने भी मैन थे, मेन जो थे, जितने भी मेन 21 ईयर्स या इससे ज्यादा उम्र के थे, उन सभी को वोटिंग राइट्स दे दिए जाते हैं। अभी भी फीमेल को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। जितने भी मेल थे सबको वोटिंग राइट, जो कि 21 साल या उससे ज्यादा उम्र के थे, उन सबको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, और इलेक्शंस होते हैं। एंड ऑन 21 सितंबर 1792 द न्यूली इलेक्टेड असेंबली अबोलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक। एंड 21 सितंबर 1792 को जो नई नेशनल असेंबली चुन के आती है, वो ये अनाउंस करती है कि अब फ्रांस से मोनार्की सिस्टम खत्म होता है और फ्रांस अब एक रिपब्लिक बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।